हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 10 में एक्सरसाइज 2.3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, वो है रिमाइंडर थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम मतलब एक रूल है जो आपको डिविजन करने के लिए आपको यूज करना है। तो वो क्यों करना है, कैसे करना है, वो आपको मैं बताती हूँ। ओके, देखिए ये है रिमाइंडर थ्योरम। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये थ्योरम क्या कह रहा है? लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि यहाँ पे पॉलिनोमियल हम पी ऑफ एक्स ले लेते हैं और उसकी डिग्री कैसी है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो उसकी डिग्री 1 से ज्यादा होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए। ओके, ये है पॉलिनोमियल। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ये स्मॉल ए जो है वो है एक रियल नंबर, मतलब कोई भी वैल्यू। इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को अगर आप x माइनस ए से डिवाइड करेंगे देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a, तो फिर क्या आएगा? रिमाइंडर p ऑफ a आएगा। ओके, ये कह रहा है कि अगर आप p ऑफ x रिमाइंडर p ऑफ x पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर p ऑफ a आएगा। जैसे कि मैंने हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया था कि अगर उन्होंने कहा है कि आप चेक द गिवन नंबर इज द रूट ऑफ द सॉल्यूशन या तो फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमने क्या किया था, हमें जिस नंबर से डिवाइड करना था उस नंबर को हमने इक्वल टू जीरो ले लिया, फिर उस एक्स की और वेरिएबल जो भी वहां पे दिया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की और उस वैल्यू को हमने पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट किया। अगर पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो आ गया तो हम कहेंगे द एक्स जो भी वैल्यू आपको आई है इस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। बस वही यहाँ पे है। आपको क्या करना है, आपको जब आप डिवीजन करते थे तो आपको पता है डिवीजन में हमारा अभी थ्योरम की नहीं, अभी हम नॉर्मली डिवीजन जब हम यूज करते थे, जैसे कि आपने कोई नंबर लिया 25 को अगर मैं 5 से डिवीजन कर दूँ तो क्या आएगा, 5 5 25, रिमाइंडर 0। ये क्या है आपका, ये रिमाइंडर, ये कोएफिशिएंट और ये डिवाइजर, और जो बीच में जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, है ना, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। इसे तो अब इसका रूल क्या है, हमारे पास रूल ये है कि डिविडेंड हमें ये पता है जब हमें डिवीजन को चेक करना है तो हम क्या कहते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो आप लोगों को बहुत ही पहले से पता होना चाहिए, जब हमने डिवीजन करने सीखा था तभी हमने ये रूल भी सीखा है, तो ये रूल ही आपको ये थ्योरम प्रूफ करके दिखाएगा। तो देखिए पहले मैं जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है उसको बता दूँ। यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 25, है ना। अब हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो इक्वल टू 25 आनी चाहिए। अगर इक्वल आया तो आपका डिवीजन करेक्ट है, अगर इक्वल नहीं आया इट मींस यूअर डिवीजन इज रॉन्ग। तो डिवाइजर, व्हाट इज द डिवाइजर इन दिस क्वेश्चन, 5, एंड द कोएफिशिएंट 5 प्लस रिमाइंडर 0, तो 5 5 25, है ना, 25 इज इक्वल टू 25, देन दिस इज द डिवीजन रूल। अब यही रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या कहा है, किसको हमें डिवाइड करना है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है वो है हमारा डिविडेंड। ओके, किससे हमें डिवाइड करना है, एक्स माइनस ए, तो ये क्या है हमारा डिवाइजर, है ना, ये है हमारा डिवाइजर। और अब हम क्या करते हैं, मैं इसे अब मैं रिमाइंडर ले लेती हूँ प्लस आर ऑफ एक्स, ये है रिमाइंडर। ओके, तो मैंने इसे हम कैसे करेंगे, तो चल इसे हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग से आपको स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमारे यहाँ पे क्या है, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल
जिसकी डिग्री इक्वल टू वन या तो लेस देन वन जो कंडीशन के अकॉर्डिंग से ओके बाय उसे हमें किससे डिवाइड करना है सपोज दैट व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड जब हम पी ऑफ एक्स को डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए सपोज करेंगे तो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा हम कोएफिशिएंट को क्या समझ लेते हैं क्यू ऑफ एक्स ले लेते हैं ओके और उसका रिमाइंडर क्या आएगा हम रिमाइंडर को क्या सपोज कर लेते हैं रिमाइंडर आर ऑफ एक्स सपोज करते हैं जब हम पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो उसका कोएफिशिएंट आएगा क्यू ऑफ एक्स और रिमाइंडर आएगा आर ऑफ एक्स ये हमारा सपोजिशन है तो दैट इज इस कंडीशन के अकॉर्डिंग से क्या होगा डिविडेंड क्या है हमारा पी ऑफ एक्स किससे डिवाइड हो रहा है डिवाइजर क्या है एक्स माइनस ए कोएफिशिएंट हमने क्या सपोज किया क्यू ऑफ एक्स और रिमाइंडर हमने क्या सपोज किया आर ऑफ एक्स ओके अब यहां पे देखिए ये क्वेश्चन जिससे हमें डिवाइड करना है तो उसे हम क्या करेंगे हाँ इफ यहाँ पे क्या है एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं तो क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू ए है ना एक्स इज इक्वल टू ए आया ओके तो हम क्या करेंगे इफ एक्स इज इक्वल टू ए तो हम इसी इक्वेशन जो इक्वेशन हमने किया था क्या था हमारा इक्वेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स है इसे इसमें हम x इज इक्वल टू वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा p ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस ए क्यू ऑफ a प्लस आर ऑफ a ओके तो p ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस ए जीरो प्लस आर ऑफ a तो p ऑफ a इज इक्वल टू r r क्या है रिमाइंडर क्या आया हमें p ऑफ a तो देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन दिया है p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a तो हमारा रिमाइंडर क्या आया p ऑफ a है ना तो इसका मतलब है जो भी आपको डिवाइजर दिया है उसे हम x इज इक्वल टू जीरो समझ लें x इज इक्वल टू जीरो समझ लें और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और उस x की वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा ओके अब इस थ्योरम को यूज करके हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं तो एक्सरसाइज 2.3 क्या कह रही है क्वेश्चन है तो देखिए क्वेश्चन वन क्या कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन यहां पे व्हेन पॉलिनोमियल क्या दिया है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन अगर हम इस पॉलिनोमियल को एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा अगर इसी पॉलिनोमियल को एक्स माइनस वन बाई टू से डिवाइड करेंगे तो दो पॉलिनोमियल क्या आएगा क्वेश्चन थ्री और फोर भी है क्वेश्चन थ्री है एक्स अगर हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा अगर हम एक्स प्लस पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आएगा तो पहले तो उन्होंने गिवन पी ऑफ एक्स क्या है हमारा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन ओके अब हम डिवाइजर क्या ले रहे हैं डिवाइजर इन्होंने क्या दिया है जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उसे हम कहते हैं डिवाइजर तो यहाँ पे फर्स्ट डिवाइजर क्या है एक्स प्लस वन तो हम इसे क्या करेंगे हम इसे x प्लस वन को जीरो से इक्वल कर देंगे क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए ओके डिवाइजर इक्वल टू जीरो कर दिया तो x इज इक्वल टू माइनस वन अब इस x इक्वल टू माइनस वन को हम p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी कि p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको माइनस वन होल क्यूब प्लस थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन माइनस वन को क्यूब यानी कि तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन तो वन वन जा वन 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 जा वन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस वन आएगा प्लस माइनस वन को अगर टू टाइम करेंगे तो प्लस वन आएगा प्लस इंटू थ्री थ्री माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री वन जा थ्री प्लस वन
माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन भी जीरो हो जाएगा। तो हमारा पी ऑफ माइनस वन कितना आया, रिमाइंडर जीरो है ना, पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इससे हमें क्या पता चला, देयर फोर रिमाइंडर इज जीरो। ओके, हमें रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसी पॉलिनोमियल को एक्स माइनस वन बाई टू से डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड वन क्या था, डिवाइजर। तो हमारा सेकेंड डिवाइजर क्या था, डिवाइजर इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स ले लेती हूँ मैं डिवाइजर को, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ओके, तो एक्स माइनस टू को हम इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वन अपॉन टू आएगा। अब हम इसी एक्स की वैल्यू को पी ऑफ एक्स में सब्सिट्यूट करेंगे, तो हमारा पी ऑफ एक्स कैसा था, पी ऑफ एक्स था एक्स क्यूब यानी कि वन बाई टू होल क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर यानी कि वन बाई टू स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वन अपॉन टू प्लस वन। इसे हम सॉल्व करेंगे, वन को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, टू को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आएगा, क्योंकि कैसा है ये, ए पावर एन, ए पावर एन, ए पावर एम बाई ए पावर एन प्लस वन बाई फोर को स्क्वायर करेंगे, वन बाई टू को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वन बाई फोर, थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री अपॉन फोर आएगा प्लस थ्री अपॉन टू प्लस वन। अब इन सबका हमें एलसीएम निकालना है, एट फोर टू और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वन, एट फोर टू और वन का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा, देखिए फिर हम स्टार्ट करते हैं टू से, टू टू फोर जा टू टू जा टू वन जा वन जा टू 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 जा वन 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 टू टू वन जा वन 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 यानी कि टू टू जा फोर फोर टू जा एट, एट एलसीएम है। तो इस नंबर को मुझे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही एट में है, तो यहाँ पे वन आएगा, ये फोर है तो एट में चेंज करने के लिए टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे और ऊपर, तो टू थ्री जा सिक्स, टू को एट चेंज करने के लिए फोर से मल्टीप्लाई करने का, फोर थ्री जा ट्वेल्व, वन को एट में चेंज करने के लिए मुझे एट से मल्टीप्लाई करने का तो एट। अब इसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ट्वेंटी सेवन अपॉन एट, ये है आपका ट्वेंटी सेवन अपॉन एट, ये आपका रिमाइंडर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थ्री आपको अपने आप से करना है, क्वेश्चन नंबर फोर भी, क्वेश्चन नंबर फोर में करवा देती हूँ, इसी में आपको क्वेश्चन नंबर थ्री है जो है एक्स, तो आपको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो सब्सिट्यूट करना है अपने पॉलिनोमियल में। अब क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर जी ऑफ एक्स यानी कि डिवाइजर क्या दिया है, एक्स प्लस पाई, तो इसे हम क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो में सब्सिट्यूट करेंगे जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस पाई। अब हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो p ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई होल क्यूब प्लस थ्री माइनस पाई स्क्वायर प्लस थ्री माइनस पाई प्लस वन, माइनस को तीन बार कर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस पाई क्यूब, माइनस माइनस को टू टाइम करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन। ओके, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि यही आपका रिमाइंडर है। क्वेश्चन नंबर फाइव आपको अपने आप से सॉल्व करना है, सेकेंड यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर टू करेंगे। ओके, क्वेश्चन टू क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ये जो है पी ऑफ एक्स इसमें क्या है, ये वाला जिसे हमें डिवाइड करना है वो हमारा पॉलिनोमियल है। तो हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, और जिससे हमें नंबर को डिवाइड करना है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, वो है हमारा डिवाइजर। वो क्या है, हमारा डिवाइजर। तो डिवाइजर को हम जी ऑफ एक्स से डिनोट कर देते हैं, एक्स माइनस ए। तो हम डिवाइजर को इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आया, ए। अब हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, द रिमाइंडर पी ऑफ
द रिमाइंडर इज, तो x की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a इज इक्वल टू हमारा इस वाले पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो x क्यूब की जगह पे a क्यूब माइनस a, a स्क्वायर प्लस 6 ऑफ a माइनस a, a क्यूब का होगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर को इनटू a करेंगे तो a क्यूब आएगा प्लस 6a माइनस 5, प्लस माइनस माइनस a क्यूब माइनस a क्यूब 0, 0 प्लस 6a माइनस 5। तो यहां पे आपको a आएगा, तो 6a माइनस a प्लस माइनस माइनस 5, 6 माइनस 1 5a, 6 बड़ा है तो 5a प्लस 5a, देयरफॉर आपका रिमाइंडर क्या है 5a। ये है आपका क्वेश्चन 2। हमारा क्वेश्चन 3 क्या है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर यानी कि 25 दिया है, 25 को अगर मैं 5 से डिवीजन करूं और अगर मुझे आंसर 0 आ जाए, जैसे कि 25 एक नंबर है उससे मैं 5 को डिवीजन कर 5 से डिवीजन करती हूं और मुझे रिमाइंडर 0 आ जाए, तब मैं क्या कहूंगी, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वो नंबर गिवन नंबर का फैक्टर है, यानी कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 25, है ना। जिस जिस टेबल में जो नंबर होता है उसे हम फैक्टर कहते हैं, द नंबर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर इज सेड टू बी फैक्टर। गिवन नंबर अगर नंबर से डिविजन होता है तो उसे हम फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे भी अब इसी को ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ये 25 क्या है, पी ऑफ एक्स, ओके, और ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है जी ऑफ एक्स, डिवाइजर। तो अगर हमें ये कहना है कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, तो जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या है, तो हियर पहले आपको पी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या कहा है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ, यानी कि यहाँ पे हमें पी ऑफ एक्स क्या दिया है, ये वाला, इसका हमें ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल की फैक्टर 7 प्लस 3x आता है, वो हमें बताना है कि 7 प्लस 3x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, ओके। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x, जिससे हमें फैक्टर कहते हैं उसे हम डिवाइजर कहते हैं, है ना। तो 7 प्लस 3x, ओके। अब हमें चेक करना है कि ये वाला नंबर इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वही रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे, यानी कि पी ऑफ ए रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हम चेक करेंगे, ओके। तो यहाँ पे x प्लस 3x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। अब मैंने ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब इस x की वैल्यू अगर मैं p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करूँ और अगर मुझे रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं कह सकूंगी कि 7 प्लस 3x p ऑफ x का फैक्टर है, ओके। तो p ऑफ x में मैं माइनस 7 अपॉन 3 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो हमारा p ऑफ x क्या है, 3x क्यूब प्लस 7x, 3 माइनस 7 अपॉन 3 होल क्यूब प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 3, ओके। ये अब इसे करेंगे तो माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 क्यूब, 7 क्यूब इंटू 3 करेंगे तो 343, 3 को करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 7 क्यूब करूंगी तो 343 आएगा, ओके। और इस 3 को मैं अभी बाहर ही रखती हूँ तो आपको सम, और 3 क्यूब करूंगी तो 27 आएगा, और यहाँ पे माइनस 49 अपॉन 3, जो 3 मैंने बाहर रखा है उसे कैंसिल कर देती हूँ, 3 वन सा 3 नाइन सा 27, तो कितना आएगा, माइनस 343 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा, 9 विल बी द माई एलसीएम, मुझे एलसीएम कितना आएगा, 9,
यानी कि ये तो पहले से ही 9 है, तो उसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस 343 को मैं वैसे लिख देती हूँ, और इसे 9 में चेंज करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 49 इंटू 3 27, 7 टू 12 13 14 147 आएगा, है ना। अब माइनस माइनस प्लस, 343 प्लस 147 तो कितना आएगा, माइनस 1490, माइनस 490 अपॉन 9। अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा था, अगर कोई नंबर पॉलिनोमियल का फैक्टर होना चाहिए तो हमारा जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए, लेकिन हमारा रिमाइंडर क्या आया, माइनस 490 अपॉन 9, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है। देयर फोर 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। सो 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। क्यों, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 आया, हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया इसलिए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.4। अभी जो मैंने फैक्टर्स के बारे में आपको बताया वो ही इस क्वेश्चन में आपको यूज करना है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस 1 ए फैक्टर। यानी कि आपको नीचे पॉलिनोमियल दिए हैं और आपको उस पॉलिनोमियल में चेक करना है कि क्या वो x प्लस वन गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। मतलब हम x प्लस वन को g ऑफ x समझेंगे और जो दिया हुआ है वो p ऑफ x होगा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो वाली x की वैल्यू हम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं आया तो x प्लस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो हियर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और g ऑफ x हमारा क्या होगा, x प्लस वन। तो x प्लस वन इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस वन। अब हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, x की जगह पे माइनस वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन आएगा, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वन आएगा। माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन 0, माइनस वन प्लस वन 0, विच इज इक्वल टू 0। सिंस 0 आया इसलिए देर फोर एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स गिवेन पॉलिनोमियल। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हम ये चेक करेंगे कि ये वाला पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और g ऑफ x क्या लेना है आपको, वही लेना है x प्लस वन। तो x प्लस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस वन। अब फिर से हम माइनस वन इस वाले पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन पावर 4 प्लस माइनस वन पावर 3 प्लस माइनस वन होल स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ये बार मैंने किस में सब्स्टिट्यूट किया, p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट किया। ओके, तो क्या आएगा, माइनस वन को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन 0, माइनस वन प्लस वन 0 और प्लस वन विच इज इक्वल टू 1। सिंस नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 आया इसलिए देयर फोर एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, क्या है, पी ऑफ एक्स। अब इसी का क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, एक्स पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, ये आपको अपने आप से करना है। और क्वेश्चन 4 क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2।
अब ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप से करना है, लेकिन ये मत सोचना कि यहाँ पे रूट टू है तो कैसे करना है। आपको अपने x की वैल्यू से ही मतलब रखना है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और सॉल्व कीजिए। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो x प्लस वन फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। ओके, ये है क्वेश्चन वन ऑफ एक्सरसाइज 2.4। हाँ, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई है। थैंक यू।